क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें कहा गया कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अब भी फिर उसी क्वेश्चन की तरह 10 की तरह मैट्रिक्स स्क्वायर ही है ए विद एंट्रीज फ्रॉम सी। ये यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, पहले वाले में रियल एंट्रीज थी, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज हैं। द फील्ड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके, यानी यहाँ बी जो है वो हर्मिशियन हो, एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स डी, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम इसको सॉल्व करना है कि ए इज द सम ऑफ बी एंड डी, बट बी इज हर्मिशियन एंड डी इज स्क्यू हर्मिशियन। तो स्टार्ट करते हैं, ओके, उससे पहले हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन एक बार देख लें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो खुद हो, यानी अ मैट्रिक्स एम इज स्क्यू इज हर्मिशियन इफ एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एम, एंड स्क्यू हर्मिशियन क्या है, सॉरी इसमें हर्मिशियन में प्लस एम है, और स्क्यू हर्मिशियन एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल हो माइनस एम। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं जैसा कि पहले लिखा, हाफ इंटू ए प्लस ए या टू ए, या फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं वन ओवर टू इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी टू ए वैसे ही रहा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो यही मैट्रिक्स ए अब लिखा जाएगा वन ओवर टू इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और प्लस वन ओवर टू इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ओके। तो यहाँ बी जो है हम लिख सकते हैं कि दिस इज बी वन ओवर टू इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, सो लेट बी इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एंड डी इक्वल वन ओवर टू इंटू सॉरी बी में प्लस है ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इतना शो करवाना है कि बी इज हर्मिशियन एंड डी इज स्क्यू हर्मिशियन, ओके। बी को हर्मिशियन शो करवाने के लिए क्या करते हैं कि उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी वन ओवर टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इस सारे का कॉन्जुगेट और फिर इस सारे का ट्रांसपोज, तो हम इसे लिखेंगे किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट वो खुद होता है वन ओवर टू, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट अलग अलग लिखा जा सकता है ए कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और अगेन यहाँ पे मुकम्मल का ट्रांसपोज भी। अभी हमने सिर्फ कॉन्जुगेट अप्लाई किया है, ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू ट्रांसपोज जो है वन ओवर टू का ट्रांसपोज, तो वन ओवर टू खुद ही होगा, इट मीन ट्रांसपोज हमें सिर्फ इसका लेना है मैट्रिक्स का, हम इसे लिखेंगे ए कॉन्जुगेट प्लस, अब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मीन पहले उसके कॉन्जुगेट लें फिर उसकी रोज को कॉलम में चेंज करें और फिर कॉन्जुगेट लें, तो ये ऐसे ही है कि डबल कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लेना, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज लिखा जा सकता है एंड होल ट्रांसपोज के, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आप दो बार कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लें या यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज में से जो भी पहले कर लें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहले का ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये इक्वल हो जाएगा वन ओवर टू इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए और वन ओवर टू इंटू ए
प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये हमारा मैट्रिक्स बी बन रहा है 1/2 इंटू ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो बी इज हर्मिशियन। ओके, तो अब डी की तरफ आते हैं। डी को हमने शो करना है कि डी स्क्यू हर्मिशियन, यानी उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, डी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज सारे का कॉन्जुगेट और फिर इस सारे का ट्रांसपोज। तो जैसा कि बी के लिए हमने किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस ए सॉरी माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और फिर सारे का ट्रांसपोज, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू अब ए कॉन्जुगेट माइनस ए डबल कॉन्जुगेट जैसा कि हमने ऊपर किया था, ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज। तो ये इक्वल हुआ 1/2 इंटू ट्रांसपोज अब अप्लाई करने लगे हैं तो ये बन जाएगा ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। तो डबल ट्रांसपोज मीन ए इटसेल्फ, सो 1/2 इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए, या अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 1-1/2 इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखा जाएगा। और अब इस नेगेटिव के इनसाइड जो है ये हमारा मैट्रिक्स डी है, यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि डी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, सो डी इज स्क्यू हर्मिशियन। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस ए इज सम ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन कौन सा है बी एंड स्क्यू हर्मिशियन। मैट्रिक्स डी, तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है।